वेरी स्पेशल ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बी एड सी टी में अपियर होने वाले हैं इस वीडियो में हम देखेंगे बी एड सी टी का सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम क्या है एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज मॉडल पेपर विद्यूशन सो लेट्स एंड मार्किंग स्कीम यहाँ पे सबसे पहले सी टी के एम सी क्यूज तीन पार्ट में डिवाइडेड है मेंटल एबिलिटी जिसके फोर्टी क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स देन जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज के थर्टी क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क एंड देन टीचिंग एप्टीट्यूड विच इज ऑल्सो थर्टी एम सी क्यूज एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग वन मार्क्स सो टोटल देर आर हंड्रेड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर मेंटल एबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं जो हमारी माइंड पावर को जज करते हैं सो so, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे डैट विल बी बेस्ड ऑन सीरीज सिलोजिम्स कोडिंग डी कोडिंग रिलेशनशिप्स एनालॉजिज क्लासीफिकेशन एंड प्रॉब्लम ऑन डिस्क न जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज में नेशनल इंटरनेशनल लेवल इंक्लूडिंग पास्ट इवेंट करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर ये इंक्लूड रहेगा दैन टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें वो एम सी क्यूज रहेंगे जो हमारी टीचिंग एबिलिटी को टेस्ट करेंगे एंड दीज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन लीडरशिप क्वालिटीज अवेयरनेस अबाउट चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम एंड सोसाइटी कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एम सीज इन मॉडल पेपर। नाउ हेयर इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द अपकमिंग नंबर ऑफ दिस गिवन सीरीज यहाँ पे अगर हम नोटिस करें सो एटी सेवन माइनस सेवन इक्वल्स टू एटी देन एटी माइनस सिक्स इक्वल्स टू सेवेंटी फोर देन सेवेंटी फोर माइनस फाइव इज सिक्सटी नाइन देन सिक्सटी नाइन माइनस फोर इज सिक्सटी फाइव अब जैसे यहाँ पे नंबर डिक्रीज होते जा रहा है सेवन सिक्स फाइव फोर देन नेक्स्ट नंबर हमको जो माइनस करना रहेगा सिक्सटी फाइव में से देट विल भी थ्री सो सिक्सटी फाइव माइनस थ्री विल बी सिक्सटी टू सो येस द आंसर इज बी सिक्सटी टू Now the second question is C N H M B related to G L L K F in the same way as J V D Q X related to what? So यहाँ पे हमको अब यहाँ पे सबसे पहले हम given letters लिख लेंगे और उसकी respective position in alphabet वो भी लिख लेंगे So C आता है third number पे एन आता है फोर्टीन पे एच आता है एट नंबर पे एम आता है थर्टीन पे बी आता है टू पे सिमिलरली जी आता है सेवन पे एल आता है ट्वेल्व पे देन सो so यहाँ पे थ्री एंड सेवन का डिफरेंस फोर है सो so, हम ये टेन में से फोर एड करेंगे विच इज इक्वल्स टू फोर्टीन एंड दिस रिप्रेजेंट द लेटर एन देन फोर्टीन एंड ट्वेल्व में दो का डिफरेंस है तो so, हम ट्वेंटी टू से दो सब करेंगे एंड हमें मिलेगा ट्वेंटी एंड दिस रिप्रेजेंट लेटर टी सिमिलरली एट एंड ट्वेल्थ का डिफरेंस है फोर तो ये चार में से चार एड करेंगे तो मिलेगा एट विच रिप्रेजेंट लेटर एच आफ्टर डूइंग सेम वी विल गेट एन टी एच ओ बी सो हैंस सी इज करेक्ट नाउ द थर्ड क्वेश्चन शेफाली इज सिस्टर ऑफ सन ऑफ द आलोक्स सन हाउ शेफाली रिलेटेड टू आलोक अब यहाँ पे शेफाली है ये जो सिस्टर है सन ऑफ आलोक्स सन की यानी सन ऑफ आलोक्स सन एक्चुअली आलोक का ग्रैंड सन है एंड शेफाली इसकी बहन है तो अल्टीमेटली शेफाली आलोक की ग्रैंड डॉटर हुई सो देयरफॉर फोर डी इज़ करेक्ट नाउ फोर्थ क्वेश्चन

In this series, we have to find the question mark number. Now, see after observing here, each number is in the form of x square plus twenty, and x starting from nine. So, see nine square plus twenty is equals to one hundred and one. Then, second ten square plus twenty is equals to one twenty. 12 स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 164. देन नेक्स्ट हमको क्या करना है यहाँ पे 13 लेना है सो so 13 स्क्वायर प्लस 20, विच विल गिव 189. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सो हेयर वी हैव टू फाइंड द मिसिंग क्वेश्चन मार्क नंबर Here the differences follow the pattern plus फाइव minus फोर plus फाइव minus फोर plus फाइव minus फोर and like this. So first number जो है पहला 19. So इसमें फाइव add करेंगे तो हमें मिलेंगे 24 which is our next number. So 24 फोर से अगर हमने फोर माइनस करे तो हमको ही 20 मिलेगा. बट हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है सही है या फिर नहीं दैन हमारा जो है 20 अगर आया इसमें हमने एड किए तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव येस करेक्ट वी आर गेटिंग दैट देन नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव में से फोर माइनस के विच विल गिव अस ट्वेंटी वन सो दिस फॉलोइंग द पैटर्न विच आई हैव मेंशन सो हेंस द ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज ट्वेंटी नाउ क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड सो हेयर गिवन वर्ड इज इम्पैशनेबल ये हमको गिवन है हमको यहाँ पे क्या करना है क्लियरली हम इमपैशनेबल से इम पैसेबल बना सकते इम्पॉसिबल बना सकते इम्पैशन बना सकते बट वी कैन नॉट फॉर्म इमपैसिव बिकॉज यहाँ पे वी है एंड जो हमारा गिवन वर्ड है उसमें वी नहीं है सो हे द करेक्ट ऑप्शन इज सी नाउ नेक्स्ट नाइंथ क्वेश्चन ओनली वन मीनिंग फुल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ गीवन जम्बल वर्ड जो कि ये हमको गीवन है इससे हमको सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड हम बना सकते हैं अभी हम अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो मेटामोर्फिक में ई e आ गया बट हमारा जो गीवन जम्बल वर्ड इसमें ई e है ही नहीं तो ये भी रॉन्ग देन बी बी को अगर हम देखेंगे तो इसमें एल है बट हमारे गीवन वर्ड में एल नहीं है सिमिलरली अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे सी है बट हमारे गिवन वर्ड में सी कहीं पे है नहीं सो so, हेंस हमारा जो बचा डी ऑप्शन हिपोपोटामस तो यस ये फॉर्म होता है गिवन जम्बल वर्ड्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज अब सीरीज को ऑब्जर्व करो सो आफ्टर ऑब्जर्विंग हम देखेंगे तो ये जो नंबर है ये स्क्वायर्स है

लेटर और नंबर और फिगर फ्रॉम द गि रिस्पॉन्सेस सो द फर्स्ट मीन्स एलेवन वी हैव ऑप्शन स्प्रिंग हीट विंटर ऑटम सो वी हैव टू फाइंड ऑटमेन आउट सो यहाँ पे स्प्रिंग विंटर ऑटम ये ऑलरेडी सीजन से बट हीट ये सीजन नहीं है सो देअर फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बी देन ट्वेल्व में है मीटर यार्ड लीटर इंच अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो मीटर यार्ड इंच ये लेंथ को मेजर करने का एक पैरामीटर है करेक्ट बट लीटर लीटर हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं बट हम लेंथ को नहीं कर सकते नाउ so थर्टीन यहाँ पे ए आई जेड ई दिया है एज वी नो ए आई ई आर वॉवल सो जेड सो सी इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन फोर्टीन यहाँ पे हमको कुछ लेटर्स गिवन है इसमें से जो तीन है वो पैट एक पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं बट उसमें जो एक है बचा वो वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है सो वी हैव टू फाइंड दैट ऑड वन सो यहाँ पे डी ई ये कंटिन्यूस लेटर है इन असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट देन ई के बाद आता है एफ तो आफ्टर वन डिफरेंस ऑफ लेटर वी हैव जी एच इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज ऑल्सो कंटिन्यू सो सिमिलरली बी जो है यहाँ पे भी आर एस कंटिन्यू असेंडिंग में है देन टी एक डिफरेंस के बाद में यू वी डिसेंडिंग पे है सेम पैटर्न सी भी फॉलो करता है लेकिन डी को नोटिस करो। यहाँ पे एल एम कंटिन्यू लेटर तो है लेकिन एम के बाद में क्या आता है एन NO, ओ तो यहाँ पे दो लेटर का डिफरेंस आ रहा है फिर उसके बाद में पी क्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है यानी कि ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है सो हैंस द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नाउ द नाउ इन फिफ्टींथ वी हैव स्काई स्टार प्लानट कॉमेट अब क्लियरली स्टार प्लैनेट एंड कॉमेट ये सब तो स्काई में ही रहते हैं सो so यहाँ पे ऑर्ड क्या आएगा फिर हमारा स्काई सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट वन सिक्सटीन यहाँ पे हमारे पास है सिक्सटी टू फोर्टी टू वन फिफ्टी टू एंड वन हंड्रेड एंड टेन इफ यू विल ऑब्जर्व सो यू विल फाइंड हेयर ओनली वन हंड्रेड एंड टेन इज द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ टेन सो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ सेवेंटीन क्वेश्चन में हमारे पास है फाइव नाइन सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सो सेकेंड नंबर इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर टू द फर्स्ट प्राइम फर्स्ट नंबर मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी और डी में सेवन के बाद क्या आता है प्राइम नंबर अलेवन सो यस देन थर्टीन के बाद वाला प्राइम नंबर सेवेंटीन देन ट्वेंटी नाइन के बाद वाला प्राइम नंबर थर्टी वन बट ऑप्शन ए में जो फाइव के बाद वाला प्राइम नंबर है सेवन है विच इज मिसिंग सो हेंस द ऑप्शन ए इज रॉन्ग सो हेंस ऑड वन इज ऑप्शन ए नाउ द एटींथ क्वेश्चन यहाँ पे हमको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसका यूज़ हमको करके कुछ फाइंड करना है सो so, हमको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते जाते हैं तो सबसे पहले देखो क्या है कि लक्ष्मण वेंड 15 किलोमीटर टू वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से वो वेस्ट साइड में 15 किलोमीटर पे गया है सो so, ये फिगर ऐसी आएंगी देन उसके बाद में वो टर्न हो गया लेफ्ट साइड एंड वॉक ट्वेंटी किलोमीटर एंड अगेन टर्न ईस्ट एंड वॉक ट्वेंटी फाइव किलोमीटर तो हमको ऐसा दिखेगा एंड फाइनली लेफ्ट एंड कवर्ड ट्वेंटी किलोमीटर सो वी विल गेट फिगर लाइक दिस तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि वो अपने घर से कितने दूर आ चुका है मीन्स वो अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है So, यहाँ पे यह बहुत सिंपल है फिगर बनाने के बाद में सो so, हम यहाँ पे क्या करेंगे इस 25 में से ये वाला 15 डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमको हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 10. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 10 किलो नाउ नेक्स्ट नाइनटीथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट ऑटोमोबाइल कार्स मोटरसाइकिल साइकिल सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता है कार और मोटरसाइकिल है वो ऑटोमोबाइल में ही आती है सो हेंस फिगर बी इज करेक्ट देन ट्वेंटी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट ईयर मंथ डे अब हमको पता है कि ईयर में मंथ आते हैं देन मंथ में डेज आते है तो यहाँ पे जो फिगर डी है दैट विल रिप्रेजेंट दिस सो ऑप्शन डी इज करेक्ट देन ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन इज टी रिलेटेड टू लीव्स देन कॉफी रिलेटेड टू वॉट सो so, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी करेक्ट सो डी इज करेक्ट देन नेक्स्ट हॉकी रिलेटेड टू गेम सो इसमें से क्या करेक्ट है सो डी ऑप्शन इज करेक्ट लैटिन एक लैंग्वेज है लाइक दैट देन न्यूमरल रिलेटेड टू दिस वर्ड देन अल्जेबरा रिलेटेड टू वॉट सो यहाँ पे ये यह हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल का ही जो जंबल वर्ड जो है वो नेक्स्ट है सो so, अगर हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो वो अलज्रा का जम्बल वर्ड है सो डी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे ए बी देन सी डी सिमिलरली ई एफ देन जी एच ऐसा कनेक्शन आ रहा है तो हमको एन पी एम ओ का भी सिमिलर वे में देखना रहेगा करेक्ट तो यहां पे देखो एन एम है देन ओ है सो ऑप्शन डी को देखो यहां पे सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है आर क्यू देन उल्टा एस टी सो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन को आप ट्राई करो सॉल्व करने एंड इसका करेक्ट ऑप्शन में बता बता रही हूँ विच इज बी सिमिलरली ट्वेंटी सिक्स बी आप सॉल्व करो एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है

देन सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा वो हम ट्वेल्व के स्क्वायर में से माइनस करेंगे ट्वेल्व सो वी विल गेट वन थर्टी टू सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन आपको सॉल्व करना है सो so ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट और इसका आंसर है बी देन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है ऑप्शन डी नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रॉम थर्टी टू थर्टी थ्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सो द क्वेश्चन नंबर थर्टी यहाँ पे हमको गिवन है फ्लूट वायलिन गिटार एंड सितार सो नोटिस करो वॉयन गिटार और सितार को हम हाथ से बजा सकते हैं बराबर बट फ्लूट मीन्स बसुरी को हम मुंह से बजाते हैं सो so, ए इज ऑर्ड सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट देन थर्टी वन यहां पर जो लेटर्स है एल और आई सो आई के बाद में क्या आता है जे के फिर आता है एल यानी के दो लेटर का डिफरेंस है सिमिलरली बी एन ई में भी दो लेटर का डिफरेंस है सी डी देन सी में भी सेम देन डी में अगर आप देखेंगे सो so, एन और आर एन के बाद में आता है ओ पी क्यू फिर आ रहा है, आ, है, का आ रहा रहा है है, है है, है है. यानी कि लेटर का डिफरेंस पे देखो, जो और और बीच में क्या है? एक number है. So, C और F की position को अगर हम ऐड करें थर्ड नंबर पे आता है और एफ सिक्स नंबर पे आता है अगर हम इसको ऐड करें तो हमको मिल रहा है नाइन जो कि सेंटर में मौजूद नंबर है देन बी में भी देखो एच की पोजिशन एट पे आती है और एल की ट्वेल्व पे आती है सो एडिशन ऑफ देम इज ट्वेंटी सो यस देन सी में देखो सी में भी सेम एन फोर्टीन और क्यू सेवनटीन पोजिशन एड करेंगे तो थर्टी वन देन ई में देख डी में देखते हैं डी में ई e और वाई इसकी पोजिशन फाइव एंड ट्वेंटी फाइव है सो so, उनको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा थर्टी वी आर नॉट गेटिंग ट्वेंटी नाइन जो सेंटर में नंबर है सो हैंस डी इज ऑड विच तो यहाँ पे ऑड पैटर्न को फॉलो कर रहा है सो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट टॉकिंग वॉकिंग स्लीपिंग रनिंग यहाँ पे हम टॉकिंग वॉकिंग रनिंग में एक्टिव रहते लेकिन स्लीपिंग में हम सो जाते हैं तो एक्टिव नहीं रहते सो हैंस सी इज ऑड सो सी ऑप्शन इज करेक्ट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फोर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो यहां पे मल्टीप्लीकेशन की जो साइन है इट मीन्स एडिशन माइनस की साइन मीन्स डिवीजन डिवीजन की साइन मीन सब्ट्रैक्शन एंड प्लस की साइन मीन्स मल्टीप्लीकेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट सो सल्यूशन मल्टीप्लीकेशन की साइन है एडिशन माइनस की साइन है डिवीजन डिवीजन की साइन है सब्ट्रैक्शन प्लस की साइन है मल्टीप्लीकेशन सो so, हम सबसे पहले जो हमारा ए है उसकी साइन को जो है इस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको ये मिलेगा करेक्ट देन ये जो इक्वेशन है ये बोर्ड मास से सॉल्व होंगी सो बोड मास में सबसे पहले आता है ब्रैकेट ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है देन ओ मीन्स ऑर्डर तो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी कुछ नहीं है देन डिवीजन सो यहाँ पे है फाइव डिवाइडेड बाय टेन सो विच इज जीरो पॉइंट फाइव तो ऐसा मिलेगा देन डी के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन सिक्सटीन इंटू जीरो पॉइंट फाइव विल भी एट देन डिविजन मल्टीप्लीकेशन हो गया देन एडिशन सो एट प्लस फोर इज ट्वेल्व देन बज गया हमारा सब ट्रैक्शन सो ट्वेल्व माइनस थ्री हमको क्या मिलेगा नाइन सो यस करेक्ट ऑप्शन इज ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो फाइंड करना है सो so, यहाँ पे ऑब्जर्व करो अगर हम टॉप से स्टार्ट करें मीन्स स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द ट्राइंगल एंड मूविंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अराउंड इट लेटर मूव थ्रू द अल्फाबेट इन स्टेप्स थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन सो जी की पोजिशन में हम तीन ऐड करें तो हमको जे मिलेगा देन जे की पोजिशन में हम फोर ऐड करें तो हमको एन मिलेगा से सो एन की पोजीशन में अगर हमने फाइव ऐड करें तो हमको एस मिलेगा सो so, यहाँ पे ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम डब्ल्यू तक आए करेक्ट सो so, यहाँ पे डब्ल्यू में हमको टेन ऐड करना रहेगा तो सबसे पहले हमको यहाँ पे डब्ल्यू की पोजीशन पता होनी चाहिए अल्फाबेट में सो वो डब्ल्यू आता है ट्वेंटी थ्री पे सो ट्वेंटी थ्री में टेन ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा थर्टी थ्री करेक्ट अब इस थर्टी थ्री को हम ट्वेंटी सिक्स प्लस सेवन के फॉर्म में लिख सकते हैं करेक्ट सो सेवेंथ पोजिशन पे फिर कौन सा लेटर आता है यस जी आता है सो हेंस यहाँ पे जी आएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाफ इज रिलेटेड टू क्राई इन द सेम वे कैच इज रिलेटेड टू वॉट सो द करेक्ट आंसर हेयर इज रिलीज

there are two simple इंटर sequence 1 4 7 10 13 and 6 7 8 9 1 4 7 10 13 में तीन तीन का डिफरेंस है तो यहां पे मींस 10 में 3 ऐड करें तो हमको मिला 13 देन जो दूसरी सीरीज थी इसमें सिक्स सेवन एट नाइन तो वो कैसे आई सेवन एट नाइन इसमें एक एक का डिफरेंस है सो हेंस सेवन के पहले क्या आएगा सिक्स सो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करो इसका आंसर है डी देन फोर्टीन क्वेश्चन यहां पे वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म सो so, ऑब्जर्व करो यहां पे एट प्लस सिक्स इंटू फोर हमको देगा फिफ्टी सिक्स देन सेवन प्लस थ्री इंटू सेवन देंगे सेवनटीन यानी कि पैटर्न क्या है यहाँ पे पहले नंबर और सेकेंड नंबर को एड करके थर्ड से मल्टीप्लाई करना है सो सिमिलरली फॉलोइंग दिस पैटर्न फर्स्ट वाले में फाइव को एड करेंगे नाइन में एंड इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू एटी फोर सो फाइव प्लस नाइन विन इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू एटी फोर देन टेकिंग फोर्टीन टू द राइट साइड वी विल get 84 divided by 14 will be 6 so the correct option is d 6 अब आगे के जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज पे बेस्ड है वाच ईच स्लाइड्स केयरफुली आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सी एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर